पहले या दुनिया बढ़ा दो, अगर दुनिया में कोई कमी है तो उसकी इच्छा करो, इच्छा करने का तरीका अगर बढ़ानी है तो इधर ध्यान करना है। टिक्की लगाती हो आप बेटियाँ इधर, इसको सहस्त्राकार कहते हैं, हजार पखड़ी वाला फूल, तो फूल तो कोई नहीं है, इधर मन है आपका, तो जैसे मन पर इंप्रेशन सजेशन पड़े वो आएगा, आप इच्छा होगी ऐसा हो जैसे। और जब ध्यान बढ़ने की विधि क्या है पहचान, ध्यान बन गया तो पीले रंग का प्रकाश आ जाएगा और अंदर से टर्न टर्न जैसे मंदिर में जाते हैं घंटी बजाते हैं ना, घंटी बजाएगी, ध्यान बन गया जोर से। अब क्या आ गया आपका, सोचोगे वैसे हो जाएगा, अगर पति का बुरा चाहोगे तो नुकसान हो सकता है, रह भी नहीं सकते भी, हो ज़्यादा नफरत होगी चले जाएंगे इधर से, बच्चे का होगा तो हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा क्रोध से सोचोगे तो नुकसान हो जाएगा, कि दोनों काम का दोनों दुआरी तलवार है, इधर प्रति तो अपने को उधर प्रति दूसरे को। तो अगर ज्ञान आपको हो गया, ध्यान बन गया तो अच्छा अच्छा सोचो, वो जल्दी हो जाएगा आपका, मेरी कोठी अच्छी बन जाए या मेरे पास इतनी दुकान हो जाए या इतना ये हो जाए या मैं ऊँचा नंबर मेरे पास बहुत रख धन हो जाए, ये सब जो सोचोगा वही बन जाएगा, आपके सोच में शक्ति है। राजनीति का तो राजनीति में तरक्की करो, टेक्निकल हो टेक्निकल में करो, हर चीज़ में तरक्की कर सकते हो। तो दूसरा काम आपको बताया कि इधर आने के बाद मनुष्य इस दुनिया की कोई चीज़ का अभाव है इच्छा करे और उसकी इच्छा होती है पूरी, नोविंगली और अननोविंगली जब ध्यान बढ़ता है इधर सोचते रहते हैं ना बार बार तो वो चीज़ मिल जाएगी। ये तो श्लोक की चीज़ है, आगे जाने की जरूरत है, दुकान मकान हार्ट हवेली संतान। और आगे ज्ञान चाहते हो तो ये माथा के बीच में जगह है, इसको ओंकार कहा गया है, कोई तो ओंकार कहते हैं, कोई त्रिकुटी कहते हैं, कोई ओम कह देते हैं, माथे के बीच का ध्यान तो टीका। इस जगह जब आपका ध्यान इकट्ठा हो जाएगा तो जो ज्ञान आप चाहते हो इस लोक का वाहे लोक का वो आपके सामने आ जाएगा, समझे कि नहीं, जो चाहते हो वो सामने आ जाएगा आपके। जैसे आप कुछ चाहते हो किसी को, एक छोटी बात समझो दुनिया की, किसी का बच्चा या आदमी घूम गया, एक मैं गया था लोथल गांव है, उसमें एक घर का कोई आदमी था जो जब पर ले गए थे, मेंट का दिमाग की खराबी थी और वो वहाँ से निकल गया लापता है 3 साल से। अब लोथल ने मेरा नाम सुना तो बोल दिया अच्छा ऐसे आदमी लोग बढ़ाई करी, तो उन्होंने सोचा ऐसे आदमी बताता हूँ, उन्हें सत्संग करा दिया मेरा, पैसे लगाए खूब जो किताबें बांटी, और बाद में कहने लगे वो जो उनके दर्द था वो बताया, सत्संग के लिए नहीं था उनका मामला और था, वो कहने लगे जी ऐसे ऐसे हमारा एक आदमी चला गया 2 साल से घूम गया, हो गया। मैं बोला भाई वो तो मैं तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं इधर नीचे नहीं आ सकता अभी, मैं सीधियाँ सीधियाँ नहीं आ सकता। तो फिर मैं डॉक्टर कमला को बोला कि ये तरीका ऐसे कर लो, तरीका बताया, क्या तरीका बताया कि इनमें जो भी कोई दुख करता है ज़्यादा उसके नाम से आंसू आ जाते हैं, उसको तो बता यहाँ ध्यान करे, ये चीज़ करो यहाँ ध्यान करके और उसकी शक्ल सामने देके, अरे क्या बहुत दुखी आप आ जाओ, मैं बहुत दुखी आ जाओ, ऐसे करें, इसने बताया, इसे मैंने कहा इसने बताया वो ऐसे बता दो, इसने ऐसे बताया। और वो कोई 2-1 महीना के बाद वहाँ गया, फिर उनका एक फोन आया, बोला जी आप इधर आ जाओ इधर से, क्यों, बोले बहारा आदमी आ गया, मेरे बाप को भी पता नहीं। और मैं समझा मन का मंडल की बात ही होगी, वो उसने चार कर और माँ थी रोकी इच्छा करी वो पूरी होगी। तो इस लोक का मिल जाएगा, और ऊँचे लोग कुंजी जाना चाहते हो जितना किताब लिखी है गीता रामायण महाभारत, वो एकाग्रता इधर होगी और लिखता गया छंद अलंकार याद आता, समझ गया बात। और विज्ञान जो अभी वैज्ञानिक जो नई नई चीज़ रहते हैं वो सब यहाँ ध्यान करते हैं, इधर ध्यान करके इच्छा लेके बैठ जाते हैं, इधर 3 ही चीज़ है उनके पास, इष्ट नहीं बढ़ाते वो, दाता ध्यान और ध्येय, 3 चीज़ खुद है और ध्यान किस चीज़ का कर रहा है और ध्येय क्या है। वो इच्छा करता कि टेलीफोन के बात करते हैं तो उस फोटो कैसे आई, फोटो कैसे आई, तो ये विचार करते 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 नोविंगली और अननोविंगली जब किसी का यहाँ ध्यान टिका, कहीं तो मर गए ध्यान करते करते, क्योंकि इसमें चरित्र की जरूरत है, ब्रह्मचर्य की शक्ति हो शारीरिक मानसिक तब ये ध्यान बढ़ता नहीं, बढ़ता नहीं। अर्जुन का वध तो था नहीं, वो कह रहा है कि दिमाग खराब होगा, कोई बीमार होगा, कुछ लगा सब, और जिसका बन गया उसने बताया ऐसे कर लो, उन्हें कराया वो फोटो आ जाती है आजकल, अभी टेक्नोलॉजी में देख लो नई फोटो आ रही है। अब बात करते हुए तो यूके में एक डॉक्टर है जो मनोज जी को कहता है भाई मैं सामने देख के कैप्टन साहब मेरे सामने सत्संग दी मैं सुनूंगा शेयर करूँगा, सुबह का सत्संग देता हूँ ना तो वो सामने आ जाता है डॉक्टर साहब, वो टेक्नोलॉजी है, अब वैज्ञानिकों ने पता करिए वो ये दबा देता है इधर से वो दबा की और सामने मेरे से बात आता मैं सत्संग देता रहता हूँ, ये इधर वाले भी सुनते हैं वो भी सुनता रहता है। तो ये टेक्नोलॉजी कहाँ से गिर मनुष्य में शक्ति, और डॉक्टर अच्छा है और विचार करता है मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ, तो एक जैसे इकट्ठा हो जाएगा इधर मन तो उसको नई सोच सूझेगी, और रोग के बारे में नई सोच सूझेगी, जो मन लगाता है कर्मयोगी है और ईमानदारी से काम करता है वो ठीक होता है। तो मैंने वो बात आपको बतानी कि मनुष्य में शक्ति है और बड़ी ज़बरदस्त है। तो आज आपको बताया इसके आगे जाना है तो तरीका ये है, ये तो दुनिया की चीज़ मिल जाएगी यहाँ ध्यान करने से, और इसके ब्रह्मचर्य की ज़रूरत है भी,
अगर ब्रह्मचर्य का साधन नहीं तो शर्म दर्द करने लग जाएगा और बैलेंस बिगड़ जाएगा शरीर का। शरीर का और मानसिक दोनों होने चाहिए। मानसिक में फोटुओं की तरफ, नाच गानों की तरफ दृष्टि बनती है तो गिर जाएगा आपका ब्रह्मचर्य, आप समझते हो ना। तो ब्रह्मचर्य इसके लिए ताकि जरूरत है, संतान पैदा करो, एक करो, दो करो, तीन करो, संतान की जरूरत नहीं है। स्वाद के लिए ग्रस्त पोगो, स्वाद के लिए करना है तो इधर आ जाओ, यहाँ इधर ध्यान करो, सफ़ेद रंग का प्रकाश है, चांद जैसी चांदनी, मस्ती आएगी, देखो नशा रहेगा सारे दिन, कोई चिंता फिक्र नहीं।